आज मुझे बेइंतहा खुशी है कि हमारे नौजवान साथी असलम शरीफ साहब, उनकी पूरी टीम ने एक नई बिल्डिंग में बहुत ही आरास्ता और पैरास्ता तमाम सहूलियात के साथ एक नए मिशन का आगाज़ किया है। वो इंग्लिश मीडियम का अलहुदा इंग्लिश स्कूल यहाँ चला गए हैं, इंशाल्लाह चंद दिनों में सेमी इंग्लिश का भी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इनके काम को गुज़िश्ता कई सालों से जानता हूँ, हमारा वास्ता, हमारा रابطہ तकरीबन 10 से 15 साल का। इस 10 से 15 साल में असलम शरीफ ने तालीम के मैदान में अलहुदा ट्रस्ट के माध्यम से नाम से मुख्तलिफ मुकामात पर स्कूल क़ायम किए, बहुत बेहतरीन काम किए। एक बात मैं जो साथियों से गुफ्तगू कर रहा था, आज के ज़माने में शिक्षण संस्था चलाने वाले लोग तालीम याफ्ता हैं, पिछले शिक्षण संस्था चलाने वाले लोग तालीम याफ्ता नहीं हुआ करते थे। यही फ़र्क दिख के आता है कि यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी, नए तरीक़े से, अच्छे तरीक़े से बच्चों के मुस्तकबिल बनाने का काम चल रहा है। मैं इस मौके पर दिल की गहराइयों से मेरी जानिब से, मेरी पार्टी के जानिब से, मेरे अफराद ख़ानदान जानिब से हमारे असलम शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तवक्को करता हूँ कि अगर इनके इस काम में तरक्की दे, बरकत दे, कामयाबी दे। शुक्रिया सर। एक सवाल, हिमायत दाब के पास जो साथ से 2 साल पहले अकबर नबी साहब आए थे, उन्होंने इंग्लिश के 2 साल नहीं हुआ, कम टाइम हुआ। हाँ, जो भी है सर, तो हमसे लोग पूछते हैं कि आप इम्तियाज साहब से आपसे सवाल करो कि भाई आप पत्रकार है, तो हम बोलते हैं भाई मौका मिला तो पूछेंगे। आज एजुकेशन का मौका है, मुनासिब से पूछ रहे आप, तो मस्जिद दीजिए कब खुलने वाला है, क्या है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जनता ने मुझसे पूछा है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, जनता आपसे पूछती है और जनता को आप पे भरोसा है कि आप सही जवाब देते हैं माशाल्लाह। इसका जवाब ये है कि उसका नक्शा सैंक्शन हो गया है। देखिए, एक खतीर रकम, वो MIM का स्कूल नहीं है, वो है सागर मिर्गा ट्रस्ट का, जिसके सब कुछ करता धरता अकबरुद्दीन अवैसी हैं। तो अकबरुद्दीन अवैसी की इस ज़मीन से, औरंगाबाद से वाबस्तगी के नतीजे में उन्होंने वो स्कूल की बुनियाद डाली है। 1 एकड़ की ज़मीन है, नक्शा सैंक्शन हो गया है। हमारी कोशिश रही कि आइंदा जब तालीमी साल शुरू होगा एकेडमिक ईयर, उसमें वो स्टार्ट हो, इंशाल्लाह 2024 से पहले हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई मैसेज, संदेश उस फॉर्म के नाम? संदेश तो बहुत मुख्तसर सा यही है कि सबसे अच्छा दीन हमारे पास है। हर आदमी इसका दावा करता है कि इल्म की अहमियत जितनी हमारे दीन में दी गई, उतनी शायद किसी और धर्म और दीन में नहीं दी गई। लेकिन अमलन सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स है, और कम्युनिटीज़ से कंपेयर करें तो मुसलमान एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। इसलिए हर वो कोशिश जो तालीम के लिए की जाए, बहुत मुकम्मल न सही, अधूरी सही, लेकिन मोतबर है, काबिले सताइश है। तो यहाँ तो असलम साहब जो काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये फैमिली के एक नहीं, ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये इसमें बहुत खामोशी से एक ज़माने से काम कर रहे हैं, उसमें उनका ये एक इजाफ़ा, ये भी काबिल मुबारकबाद है। और हम समझते हैं कि ये तालीमी इस्तेहकाम मिल्लत को इंग्लिश स्कूल होने के नाते उर्दू और कम्युनिटी के फ्रेम के साथ साथ मेन स्ट्रीम के हवाले से इंग्लिश मीडियम में माविन होगा। हमारी नए ख्वाहिशात, दुआएँ हैं असलम शरीफ साहब के साथ कि वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छे से अच्छे शहरी डेवलप करने की कोशिश करें। सर, आज मौजूदा हालात में खासकर मुसलमानों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना कितना ज़रूरी समझते हैं मौजूदा हालात? असल में देखिए, ज़बानों का जहाँ तक ताल्लुक है, तो ज़बानें सारी की सारी जो है वो अल्लाह की है, और उसमें उर्दू से हम दस्तबरदार इसलिए नहीं हो सकते कि सदियों से हमारा काम उर्दू में है, इसलिए हमारी तहजीब, हमारा दीन, हमारा कल्चर ये उर्दू में होने के नाते हम उर्दू से दस्तबरदार नहीं हो सकते। लेकिन बदकिस्मती से उर्दू अभी सिक्का रायजुल वक्त नहीं है, अंग्रेज़ी सिक्का रायजुल वक्त है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और इंटरनेशनली अगर हमको स्टैंड करना है, कॉम्पीट करना है, तो हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। हमारे मैनेजमेंट का तकाजा ये है कि अगर उर्दू स्कूल है तो उर्दू स्कूल में सेमी इंग्लिश कीजिए, और इंग्लिश है तो उसमें उर्दू ज़रूर सिखाइए। ग्रुप ऑफ स्कूल को औरंगाबाद में तालीमी खिदमत अंजाम देते हुए तकरीबन 30 साल का माशाल्लाह एक बहुत बड़ा अरसा गुजरा है,
और पिछले 5 सालों से जो है तो असलम शरीफ साहब ने अंग्रेज़ी मीडियम में भी कदम रखा है। सेंट्रल नाके पर ये स्कूल चलाया जा रहा था कई सालों से, लेकिन जगह नाकाफ़ी होने की वजह से वीआईपी फंक्शन हॉल के सामने एक नई इमारत जो है तो लेकर यहाँ पर सेमी इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम स्कूल की यहाँ पर आज बुनियाद रखी गई है। इसके लिए मैं असलम शरीफ साहब को, उनके पूरे स्टाफ को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। जगह की नाकाफ़ी को देखते हुए एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत इमारत को जो है तो हासिल किया गया और यहाँ पर बच्चों को बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की जाएंगी। हम नए ख्वाहिशात पेश करते हैं असलम शरीफ साहब को और दुआ करते हैं अल्लाह से कि ये स्कूल स्कूल तक ना महदूद रहे बल्कि ये कॉलेज, सीनियर कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाए। सर, आप इसलिए एनालिस्ट हैं और आज मुसलमानों में इंग्लिश मीडियम से पढ़ना कहाँ तक ज़रूरी है? देखिए, इंग्लिश मीडियम से पढ़ना हो या उर्दू मीडियम से पढ़ना हो, मीडियम चाहे कोई हो, लेकिन हमें अपने अंदर यह हौसला पैदा करना होगा कि तालीम चाहे हम किसी ज़ुबान से हासिल करें और रोज़गार के लिए जो है तो दुनिया जहां आपके लिए मुंतज़िर है, आप चाहे तो वहां जाकर अपना रोज़गार हासिल कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल करने से आप आगे रहेंगे और उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने से आप पीछे रहेंगे, मैं नहीं समझता हूँ ये कोई मुनासिब बात है। आपके अंदर, अपने अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप किसी भी मीडियम से तालीम हासिल करें लेकिन आप दुनिया के साथ कॉम्पीट करने के काबिल बने।